सूरज निकल आया है, धूप खिली हुई है और कल रात की बारिश अब रुक चुकी है। कितना अच्छा दिन है। ये क्या है? एक पानी का गड्ढा? ये क्या है? बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत सारी है। मुझे चलना चाहिए। और इधर कोच डमरू बबलू डब्लू पार्क में कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं। ये पत्थर कितना चमकीला है। ओह, ये क्या है? छोटे कैसे हो बच्चे? कोच डमरू, ये बाढ़ यहाँ किस लिए? बारिश की वजह से मैं कुछ चीजें ठीक करना चाहता हूँ, जिससे कि खेलते वक्त तुम्हें कोई चोट न पहुँचे। याद रखो, सुरक्षा सबसे पहले। ये कोच डमरू, जरा इसे तो देखिए। वाह, क्या बात है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये वहाँ पहाड़ी पर मिला, वो लुढ़कता हुआ मेरे पास आ गया। पहाड़ी पर? बारिश की वजह से जरूर पहाड़ी जमीन खिसकी होगी, वो जगह अब सुरक्षित नहीं है। अब तुम दोबारा उस तरफ मत जाना, ठीक है? ठीक है। शाबाश अच्छे बच्चे। कोच डमरू, क्लास का समय हो गया। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे। सुनो छोटे, बोलना मत, सुरक्षा सबसे पहले। मुझे पता है। जमीन का खिसकना। वाह, मुझे भी दिखाओ। बाड़े, ये तुम्हारे पास कब से है? अब मेरी बारी है। ये लो। कितना सुंदर है ये। छोटे, क्या तुम मुझे बताओगे तुम ये पत्थर कहाँ से लाए? मुझे भी एक चाहिए। बड़े सुनो, मुझे ये वहाँ जमीन पर मिला, पहाड़ी के पास। पहाड़ी के पास? हाँ, कोच डमरू ने कहा कि ये बारिश की वजह से हुआ है। मैं इसे अपने ताज में लगाऊंगा। मेरे लिए रुको। छोटे, वहाँ चलते हैं ना, प्लीज। कोच डमरू ने कहा था वहाँ जाना खतरनाक है। मैं राजकुमार हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुम नहीं जा सकते, क्योंकि कोच डमरू ने कहा है ये खतरनाक है। सुरक्षा पहले, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तो क्या मुझे भी नहीं बताओगे? अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम जाओगे? क्यों नहीं, फिर तो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुम बोरिंग हो मुन्ना, चलो यहाँ से चलते हैं। टाटा। हाँ चलो। ए दोस्तों, मेरे लिए रुको। पर कुछ डमरू ने कहा था सुरक्षा पहले। ये यहाँ पर क्यों? बहुत ही अजीब है। वो डमरू ने ये रस्सी लगाई है, वो मैदान की मरम्मत कर रहे हैं। पर मैं खेलना चाहता हूँ, मैं सुरक्षा पहले वाले नियम से तंग आ गया हूँ। तो अब क्या, हम क्या करने वाले हैं? बड़े, चलो खजाना ढूंढते हैं। खजाना? हाँ, हम वहाँ जाएंगे जहाँ छोटे गया था। मुझे यकीन है हमें वहाँ पर और खूबसूरत पत्थर मिलेंगे। पर दोस्तों, मुझे नहीं लगता छोटे हमें बताएगा कि कौन सी जगह है। तुम सबका राजकुमार होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम उस जगह का पता लगाओ। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। क्या वो रहस्यों से भरा हुआ होता है? नहीं, इसका मतलब है तुम वो जगह ढूंढ निकालोगे। देखो, अब जानकारी लाना तुम्हारा काम है, जो हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। पर छोटे मुझे नहीं बताएगा वो। ये बहुत ही आसान है, जाओ जाकर पूछो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। जल्दी करो। ओ नहीं, छोटे। हाँ, मेरा एक सवाल है, क्या तुम जवाब दोगे? किस तरह का सवाल? वो कौन सी जगह है जो सबसे सुरक्षित पर बारिश के बाद नहीं, खूबसूरत पत्थरों से भरी हुई? आसान है, वो पहाड़ी है स्कूल तक जाने के रास्ते में। बड़े, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर पहाड़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हें कहा है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा
पहाड़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा है। ये कितना डरावना है, मैं नहीं जाऊंगा। राजकुमार लल्लू मंगू सही बोल रहा है, चलो चलकर ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं। मैं नहीं मानता, छोटे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। पर मेरा भाई वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लल्लू। ऐसा करोगे तो तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा। बड़े तुम हमें वहाँ लेकर जाओगे और वो खतरनाक हुआ तो हम निकल आएंगे, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो बड़े, हम बस देखेंगे। ठीक है, ये जरूर कुछ डमरू ने बनाया होगा, उन्हें डर है कि हम यहाँ पर खेलेंगे। हे दोस्तों चलो हमें चलना चाहिए। लल्लू हे दोस्तों देखो तुम्हें क्या मिला। देखा तुमने, ये खतरनाक नहीं है। देखो ना मुझे ये मिला। वाह तो मुझे भी एक चाहिए। रुको बड़े, जल्दबाजी मत करो, हम बाद में वापस आएंगे, अपने बैग्स में और पत्थर इकट्ठे कर लेंगे, क्या कहते हो? चलो फिर। ए, मेरे लिए रुको। बड़ी कहाँ है? बड़ी तुम कहाँ हो? बड़े आओ ना, छोटे तुम्हें देख लेगा, आओ। मेरा हो गया, चलो चले। ला ला ला। हेलो बुल्लू। बड़ी कहाँ है और सब कहाँ पे हैं? बड़ी तुम कहाँ हो, हमें जल्दी घर जाना है। हाय कोच डमरू, क्या आपने बड़े को कहीं देखा है? बड़े को? मैंने उसे नहीं देखा, माफ करना मैं काम में व्यस्त था। वो कहाँ हो सकता है? मैंने देखा था, वो राजकुमार लल्लू मुन्ना और मंगू के साथ उस तरफ जा रहा था। वो उस तरफ गया है? हाँ। ओ नहीं, मैं सबसे बड़ा और चमकने वाला पत्थर ढूंढूंगा। मुझे भी बड़ा चाहिए। देखो ना ये कितना चमक रहा है। रसमाला लल्लू तुम महान हो। वाह, इस बड़े पत्थर को निकाल लूं तो इन्हें मुझसे जलन होगी। दोस्तों देखो, मंगू हटो वहाँ से। कुछ डमरू जल्दी करो। दोस्तों संभाल के। बड़े निकलो यहाँ से, ये गिरने वाला है। माफ करना। देखो आओ, तुम्हें बात सुननी चाहिए थी, बारिश की वजह से यहाँ खतरा है। कोच डमरू। ठीक है कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। ध्यान से सुनो बच्चों, हमेशा याद रखना सुरक्षा सबसे पहले। बच्चों तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, जगह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, समझ गए? जी कोच डमरू। कोच ये मेरी गलती थी, मैं सबको यहाँ लेकर आया था। मंगो तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम सबने अपना सबक सीख लिया है, जब यहाँ खतरा नहीं होगा मैं यहाँ तुम्हें लेके आऊंगा। हाय दोस्तों, प्लीज खतरनाक जगहों पर मत जाओ, कुछ डमरू सही कहते हैं, सुरक्षा पहले आती है, भूलना मत। ठीक है, बाय।
तो चलिए जानते हैं आज बबलू डब्लू पार्क में क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग लल्लू। गुड मॉर्निंग राजकुमार लल्लू। लल्लू किस बात की जल्दी है? मैं कुछ बेरीज लाया हूँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तुम खा कर देखो। लल्लू कैसे हो तुम? तुम अच्छे लग रहे हो। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए? राजकुमार लल्लू को क्या हो गया? दान का बंदर हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। गलत है, इसमें से तो रेलगाड़ी भी चली जाएगी। कभी वापस ला सकता हो जाएगा। मेरी दादी माँ कहती थी, जब भी तुम्हारा दांत टूटे उसे पेड़ के नीचे रख दो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हो सकता है मैं कुछ मांगू तो मेरा दांत जल्दी वापस आ जाए। ओ मेरे प्यारे प्यारे दांत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना। हाँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। दांत तो उगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ओ तो ये बात है, वापस आने तक चुप रहूंगा। क्या किसी ने ध्यान दिया? लल्लू का बर्ताव कितना अजीब है। वो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। हाँ सही कहा, हो सकता है। हाँ मुझे पता है, उसने मुझसे स्पिनिंग टॉप मांगा था पर मैंने उसे नहीं दिया। हो सकता है वो इसे देख के खुश हो जाए। राजकुमार लल्लू, ये देखो, लो, तुम्हें स्पिनिंग टॉप चाहिए था ना, ये लो। अरे वाह। मुझे लगता है कुछ और बात है। मैं समझ गया, शायद मजेदार कहानियां उसे हंसा दे। अच्छा आइडिया है, मुझे मजेदार कहानियां पसंद है। पता नहीं मेरा दांत कब वापस आएगा। लल्लू, 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 हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। लल्लू क्या तुम्हें मजेदार कहानियां सुननी है? मुझे लगता है तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी थी, एक दिन वो रास्ते में एक बड़े से भालू से मिली। रुक जाओ। तो क्या हुआ कि चींटी मैदान में अपना एक पैर उठाकर खड़ी हो गई। उसका मकौड़ा दोस्त देख रहा था तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुमने अपनी एक टांग ऐसे क्यों उठा रखी है? और तुम्हें पता है उस चींटी ने क्या जवाब दिया? हाँ।
तो चींटी ने कहा चुप रहो, मैं इस टांग से भालू को अड़ंगी दूंगी। राजकुमार हंसने लगा, राजकुमार हंसने लगा। लल्लू तुम अपना मुंह क्यों ढक रहे हो? राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू तुम्हारे मुंह में कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसका बर्ताव बहुत अजीब है। बड़े कमी से मुझे फिक्र नहीं, मुझे भूख लगी है। लल्लू तुमने अपने खाने के इतने टुकड़े क्यों कर दिए? देखो राजकुमार लल्लू कैसे खा रहा है, बहुत मजेदार है। बिल्कुल नहीं लल्लू, मुझे एक समझदार आदमी लगता है। सही में? हाँ, राजकुमार लल्लू ही सही राजकुमार है। बड़े तुम्हें बैठने की तमीज राजकुमार लल्लू से सीखनी चाहिए। तुम्हारा है बड़े? तुम्हारा नहीं है। हमारा भी नहीं है। मेरे दांत इससे बड़े हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राजकुमार लल्लू तुम जाग गए? लल्लू क्या ये तुम्हारा दांत है? नहीं। लगता है दांत का मालिक मिल गया। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू देखो ये मेरा आगे का दांत है। और देखो ये मेरा नया दांत भी आ गया। राजकुमार लल्लू फिक्र मत करो, हम सबके दांत टूटते हैं और फिर नए दांत आ जाते हैं। तुम्हारा भी दांत आ जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे ये सब पता है पर मैं अच्छा नहीं दिखता अपने दांत के बिना। समझ गया, मेरे साथ आओ। छोटे तुम्हारा क्या इरादा है? रुको और देखो। मुझे भी एक दो। मुझे भी दो। राजकुमार लल्लू देखो हम सबके भी एक एक दांत टूट गए हैं। शुक्रिया दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा नसीब अच्छा है जो तुम मेरे साथ हो।